करुणाड जनतेगे नन्न प्रीतिय नमस्कार गडो बेंगलुरुनिया महाजनतेगे विशेषवा नमस्कार गडो कर्नाटक राज्यपथ पालिगे इंदु महत्व दिन बगेवागिदे राज्यदल्ली हलवारु मूलभूत सौकर्य कल्पिसु योजनेगळन्नु जारीगोळिसलु ननगे बहळ संतोषवागुत्ते कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत, कर्नाटक के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री बसवराज जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी, कर्नाटक सरकार के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण, बेंगलुरु के मेरे सभी भाई और बहनों नमस्कार। डबल इंजन सरकार ने कर्नाटक के तेज विकास का जो भरोसा आपको दिया है, उस भरोसे के आज हम सभी एक बार फिर साक्षी बन रहे हैं। आज 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। ये प्रोजेक्ट हायर एजुकेशन, रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ, कनेक्टिविटी, ऐसे कई आयामों के साथ आपकी सेवा के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी ये प्रोजेक्ट ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बल देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, यहां आने से पहले मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, उस यूनिवर्सिटी में शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को बहुत समझने के लिए, उनके उत्साह को अनुभव करने के लिए आज मैं उनके बीच में हूं और नई ऊर्जा लेकर के निकला हूं। मैं इन कार्यक्रमों से जुड़े देश के प्राइवेट सेक्टर की भी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। अब यहां कनेक्टिविटी से जुड़े उत्सव को आपके साथ, आपके बीच आकर के, और जो उमंग और उत्साह से आप लोग भरे हैं, मैं भी आपके साथ इसको सेलिब्रेट कर रहा हूं। और आप सब जानते हैं, बेंगलुरु का आज का मेरा ये आखिरी कार्यक्रम है और इसके बाद मैसूरू जा रहा हूं। वहां भी कर्नाटक की इसी विकास यात्रा को गति देने का अभियान जारी रहेगा। थोड़ी देर पहले कर्नाटक में 5 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और 7 रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। कोंकण रेलवे के 100% बिजलीकरण के महत्वपूर्ण पड़ाव के भी हम साक्षी बने हैं। ये सभी प्रोजेक्ट कर्नाटक के युवाओं, यहां के मध्यम वर्ग, हमारे किसान भाई बहन,
हमारे श्रमिक भाई बहन, हमारे उद्यमियों को नई सुविधा देंगे, नए अवसर देंगे। पूरे कर्नाटका को इन विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बेंगलुरु देश के लाखों युवाओं के लिए सपनों का शहर बन गया है। बेंगलुरु एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतिबिंब है। बेंगलुरु का विकास लाखों सपनों का विकास है और इसलिए बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार का ये निरंतर प्रयास रहा है कि बेंगलुरु के सामर्थ्य को और बढ़ाया जाए। बेंगलुरु में अपने सपने पूरा करने में जुटे हुए हर साथी का जीवन आसान हो, ट्रैवल टाइम कम हो, आरामदायक हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम से कम हो, इसके लिए डबल इंजन की सरकार ने निरंतर काम किया है। यही कमिटमेंट हमें यहां आज भी देखने को मिल रहा है। साथियों, बेंगलुरु के ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए रेल, रोड, मेट्रो, अंडरपास, फ्लाईओवर, हर संभव माध्यमों का पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। बेंगलुरु के जो सबर्बन इलाके हैं, इनको भी बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे बताया गया है कि बेंगलुरु के आसपास के क्षेत्रों को रेल से कनेक्ट करने के लिए 80 के दशक से ही चर्चा चल रही है। चर्चा में 40 साल, अब बताइए क्या हाल है। चर्चा में गए हैं। मैं कर्नाटका के भाइयों बहनों को विश्वास दिलाने आया हूं, इन चीजों को साकार करने में मैं 40 महीने मेहनत करके आपके सपनों को पूरा करूंगा। आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, 16 साल तक ये प्रोजेक्ट फाइलों में लड़खड़ाते रहे। मुझे खुशी है कि डबल इंजन की सरकार कर्नाटका की जनता के, बेंगलुरु की जनता के हर सपने को भी पूरा करने के लिए जी जान से जुटी हुई है। बेंगलुरु सबर्बन रेलवे से बेंगलुरु की कैपेसिटी के विस्तार में बहुत मदद मिलेगी। ये प्रोजेक्ट बेंगलुरु शहर में ही रहने की मजबूरी को कम करेगा। और मैं बताता हूं साथियों, अगर 40 साल पहले जो काम करने चाहिए थे, जो काम 40 साल पहले पूरे होने चाहिए थे, आज मुझे वो काम 40 साल के बाद करने की मेरे नसीब में आया है। अगर 40 साल पहले ये चीजें पूरी हुई होती तो बेंगलुरु पे दबाव न बढ़ता, बेंगलुरु और ताकत के साथ खिल उठता। लेकिन 40 साल ये कम समय नहीं है। लेकिन साथियों, आपने मुझे मौका दिया है, मैं अब समय गंवाना नहीं चाहता हूं, पल पल आपकी सेवा के लिए खपाता रहता हूं। साथियों, आसपास के सैटेलाइट टाउनशिप, सबर्बन और ग्रामीण इलाके जब रेल आधारित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से कनेक्ट हो जाएंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होने वाला है।
सबर्बन रेलवे की तरह ही बेंगलुरु रिंग रोड भी शहर के कंजेशन को कम करेगा। ये 6 नेशनल हाईवे और 8 स्टेट हाईवे को कनेक्ट करेगा, यानी कर्नाटका के दूसरे हिस्सों में जाने वाली गाड़ियों की बहुत बड़ी संख्या को बेंगलुरु शहर में एंट्री की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप भी जानते हैं कि नीलमंगला से तुमकुरु के बीच का जो ये नेशनल हाईवे है, इसके इर्द गिर्द ज्यादातर इंडस्ट्रीज है। ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा फ्लो इस रास्ते से पर जाता है। इस हाईवे की 6 लेनिंग और तुमकुरु अब बाईपास से इस पूरे क्षेत्र में ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट आसान होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी और बल मिलेगा। धर्मस्थला मंदिर, सूर्य मंदिर और जॉग फॉल्स जैसे आस्था और पर्यटन के अहम केंद्रों की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए जो काम हो रहा है वो भी टूरिज्म के लिए एक नया अवसर बनकर आने वाला है। भाइयों और बहनों, बीते 8 सालों में हमने रेल कनेक्टिविटी के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया है। आज रेलवे में सफर का अनुभव 8 साल पहले की तुलना में बिल्कुल अलग है। भारतीय रेल अब तेज भी हो रही है, स्वच्छ भी हो रही है, आधुनिक भी हो रही है, सुरक्षित भी हो रही है और सिटीजन फ्रेंडली भी हो रही है। हमने देश के उन हिस्सों में भी रेल को पहुंचाया है जहां इसके बारे में कभी सोचना भी मुश्किल था। कर्नाटक में भी बीते वर्षों में 1200 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन या तो नई बनाई है या फिर चौड़ीकरण हुआ है। भारतीय रेल अब वो सुविधाएं, वो माहौल भी देने का प्रयास कर रही है जो कभी एयरपोर्ट और हवाई यात्रा में ही मिला करती थी। भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया, उनके नाम पर बेंगलुरु में बना आधुनिक रेलवे स्टेशन भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे बताया गया है कि आज बेंगलुरु में लोग इस स्टेशन पर जाते हैं जैसे किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाएं, वो अजूबा देख रहे हैं। उनको देश बदलता हुआ उस रेलवे स्टेशन के रचना से दिखाई दे रहा है। और लोग मुझे बता रहे थे, युवा पीढ़ी तो सेल्फी लेने के लिए कतार लगा के खड़ी हो जाती है। ये कर्नाटका का पहला और देश का तीसरा ऐसा आधुनिक रेलवे स्टेशन है। इससे सुविधाएं तो आधुनिक हुई है, बेंगलुरु के लिए ज्यादा ट्रेनों का रास्ता भी खुला है। बेंगलुरु कंटोनमेंट और यशवंतपुरा जंक्शन को भी आधुनिक बनाने का काम आज से शुरू हुआ है। साथियों, 21वीं सदी में हम सिर्फ रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रह सकते, बल्कि ट्रांसपोर्ट के ये मोड एक दूसरे से कनेक्ट भी हो, एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, ऐसी मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हैं। इस मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से मदद मिल रही है। बेंगलुरु के पास बनने जा रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इसी विजन का हिस्सा है। ये पार्क पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे और रोड की सुविधाओं से कनेक्टेड होगा ताकि लास्ट माइल डिलीवरी बेहतर हो और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम हो। गतिशक्ति की स्पिरिट से बन रहे ऐसे प्रोजेक्ट हजारों युवाओं को रोजगार भी देंगे, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि को भी गति देंगे। बहनों और भाइयों, बेंगलुरु की सक्सेस स्टोरी 21वीं सदी के भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रेरित करती है। इस शहर ने दिखाया है कि एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को, प्राइवेट सेक्टर को, देश के युवाओं को
असली सामर्थ्य दिखाने का अवसर देने से कितना बड़ा प्रभाव पैदा होता है। कोरोना के समय में बेंगलुरु में बैठे हमारे युवाओं ने पूरी दुनिया को संभालने में मदद की है। बेंगलुरु ने दिखा दिया है कि सरकार अगर सुविधाएं दे और नागरिक के जीवन में कम से कम दखल दे तो भारत का नौजवान क्या कुछ नहीं कर सकता है, देश को कहां से कहां पहुंचा सकता है। बेंगलुरु देश के युवाओं के सपनों का शहर है और इसके पीछे उद्यमशीलता है, इनोवेशन है, पब्लिक के साथ ही प्राइवेट सेक्टर की सही उपयोगिता है। बेंगलुरु उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की सीख भी देता है। बेंगलुरु की ताकत देखिए, ये उन लोगों को अपना माइंडसेट बदलने की भी सीख देता है जो अभी भी भारत के प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट एंटरप्राइज को भद्दे शब्दों से उसको संबोधित करते हैं। देश की शक्ति को, करोड़ों लोगों के सामर्थ्य को ये सत्तावादी मानसिकता वाले लोग कमतर आंकते हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत वेल्थ क्रिएटर्स, जॉब क्रिएटर्स का है, इनोवेटर्स का है। यही दुनिया के सबसे युवा देश के रूप में भारत की असली ताकत भी है, यही हमारी संपदा भी है। इस ताकत को प्रमोट करने के लिए जो प्रयास बीते 8 सालों में हुए हैं उनकी चर्चा तो होती है लेकिन बहुत सीमित दायरे में होती है। लेकिन बेंगलुरु जो इस कल्चर को जीता है, वहां जब मैं आया हूं तो इसकी विस्तृत चर्चा करना मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। भाई और बहनों, भारत में खेती के बाद सबसे बड़ा अगर एम्प्लॉयर है तो एसएमएसई सेक्टर है हमारा, जो देश के टियर 2 टियर 3 शहरों की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। एमएसएमई इस सेक्टर से देश के करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे यहां एमएसएमई की परिभाषा ही ऐसी रखी गई थी कि अगर वो खुद का विस्तार करना चाहते थे तो उनका नुकसान होता था, इसलिए वो अपने वेंचर को बड़ा करने के बजाय उसे छोटे उपक्रम की तरफ ले जाते थे। हमने इस परिभाषा को ही बदल दिया ताकि एमएसएमई ग्रोथ की तरफ बढ़े, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, छोटे छोटे सरकारी प्रोजेक्ट में भी ग्लोबल ट्रेडर्स होने से हमारे एमएसएमई के अवसर बहुत सीमित होते थे। हमने 200 करोड़ रुपए तक के टेंडर में विदेशी इकाइयों की भागीदारी को समाप्त कर दिया। यही तो आत्मनिर्भर भारत के प्रति हमारा आत्मविश्वास है। केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए 25% खरीद एमएसएमई से ही करने का भी निर्देश दिया गया है। यही नहीं, आज गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस के रूप में एमएसएमई के लिए देश के हर सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी, डिपार्टमेंट के साथ सीधे ट्रेड करने का आसान माध्यम दिया गया है। जेम पर आज 45 लाख से अधिक सेलर्स अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस उपलब्ध करा रहे हैं। भाई और बहनों, भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की भी बहुत चर्चा आजकल हो रही है, जिसका बेंगलुरु बहुत बड़ा सेंटर है। बीते 8 सालों में देश ने कितना बड़ा काम किया है ये तब समझ में आएगा जब हम अतीत के दशकों को देखेंगे। बीते दशकों में देश में कितने बिलियन डॉलर कंपनियां बनी है आप उंगलियों पर गिन सकते हैं, लेकिन पिछले 8 साल में 100 से अधिक बिलियन डॉलर कंपनियां खड़ी हुई है, जिसमें हर महीने नई कंपनियां जुड़ रही है।
आठ साल में बने इन यूनिकॉर्न्स की वैल्यूएशन आज लगभग 150 अरब डॉलर है, यानी कि करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए है। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बढ़ रहा है ये बताने के लिए मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। 2014 के बाद पहले 10,000 स्टार्टअप तक पहुंचने में हमें लगभग 800 दिन लगे थे। मैं दिल्ली में आपने मुझे सेवा करने के लिए बिठाया उसकी बात करता हूं, उसके बाद की। लेकिन हाल में जो 10,000 स्टार्टअप इस इकोसिस्टम में जुड़े हैं वो 200 दिन से भी कम ही जुड़े हैं। कभी बीते 8 साल में हम कुछ 100 स्टार्टअप के बढ़कर आज 70,000 के पड़ाव को पार कर चुके हैं। भाई और बहनों, स्टार्टअप्स और इनोवेशन का रास्ता आराम का, सुविधा का नहीं है, और बीते 8 सालों में देश को इस रास्ते पर तेजी से बढ़ने का रास्ता भी आसान नहीं था, सुविधा का नहीं था। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। हमने स्पेस और डिफेंस जैसे हर उस सेक्टर को युवाओं के लिए खोल दिया है जिनमें दशकों तक सिर्फ सरकार का एकाधिकार था। आज हम ड्रोन से लेकर एयरक्राफ्ट तक हर कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत के युवाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। यहां देश का गौरव इसरो है, डीआरडीओ का एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज हम देश के युवाओं से कह रहे हैं कि सरकार ने जो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं बनाई हैं, इनमें अपने विजन को, अपने आइडिया को टेस्ट करें। केंद्र सरकार युवाओं को हर जरूरी प्लेटफॉर्म दे रही है, इनमें देश का युवा मेहनत कर रहा है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो भी कॉम्पीट करेगी, देश के युवाओं की बनाई कंपनियों के साथ कंपीट करेगी, तभी हम दुनिया के साथ कंपीट कर पाएंगे। मेरा साफ मानना है उपक्रम चाहे सरकारी हो या फिर प्राइवेट, दोनों देश के एसेट हैं, इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर मिलना चाहिए। यही सबका प्रयास है, सबका प्रयास का यही मंत्र आजादी के अमृतकाल यानी आने वाले 25 साल में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ऊर्जा है। एक बार फिर सभी कर्नाटका वासियों को विकास के इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और बसवराज जी के नेतृत्व में हमारा कर्नाटक और तेजी से आगे बढ़े इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए आपके साथ खड़ी हुई है। अनेक अनेक शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।